हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बारे में। एज़ यू नो, 16 तारीख से 16 मार्च से आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम्स को डेफर कर दिया गया। यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड सभी एस्पिरेंट्स का जो डिमांड था, एपटेक को रिमूव किया जाए। पब्लिक रिक्रूटमेंट में पब्लिक का ट्रस्ट होना इंपॉर्टेंट है। हालांकि JKSSB द्वारा इसे डेफर कर दिया गया है, बट JKSSB चेयरमैन राजेश शर्मा जी द्वारा जो इसका एक आई थिंक प्रेस रिलीज में उनके द्वारा कहा गया था कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसे विड्रॉ किया गया। देखो, सबसे पहले तो जो चार मेन डिमांड्स हैं जो हमारे यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी हैं, सबसे पहले मैं वो चीज़ शेयर करूँगा। देन उसके बाद राइट नाउ जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, एक देखो डिफरेंट ग्रुप्स आप लोगों के बन चुके हैं। एक दूसरे को आप लोग टारगेट कर रहे हो कि वो ये गैंग है, वो ये गैंग है, उसके बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चार मेन डिमांड्स हैं यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड सभी एस्पिरेंट्स की राइट नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट शुड टेक एंड टू एंड रिक्रूटमेंट इन ऑन हैंड, रिमूव प्राइवेट फर्म्स। यानी कि गवर्नमेंट को खुद ये एग्ज़ाम्स करवाने चाहिए, प्राइवेट फर्म्स को, प्राइवेट प्लेयर्स को इससे रिमूव करना चाहिए। सेकंड, ब्रिंग स्ट्रिक्ट लॉ अगेंस्ट पेपर लीक। उत्तराखंड में, गुजरात में लॉ फ्रेम किया गया, पेपर लीक वहाँ भी हुए, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी। जम्मू एंड कश्मीर में तो एक हिस्ट्री आप कह सकते हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, देन उसके बाद JEE एग्ज़ाम, फायर एंड एमरजेंसी पर भी इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है, जूनियर आई थिंक स्टेनोग्राफर वाले एग्ज़ाम पे भी अभी स्टे लग चुका है उसके रिजल्ट पे। तो आप लोग देख ही रहे हो कि ये कितना ज़्यादा चल ही रहा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। थर्ड जो डिमांड है, टेक एक्शन अगेंस्ट स्कैमर्स एंड ऑफिशियल इन्वॉल्व। जो भी स्कैमर स्टूडेंट हैं जिनकी जिन्होंने पैसे दे के पेपर खरीदा एंड जिन्होंने जो ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, एक एग्जाम्पल सेट की जाए कि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई 10 बारी सोचे अगर उसके साथ उसने ऐसा किया तो ऐसा उसे लाइफ टाइम डिबार करना चाहिए। एंड जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें जॉब से टर्मिनेट करना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। JKSSB को रिस्ट्रक्चर करके फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रियोरिटी रहना चाहिए। ये चार मेन डिमांड्स हैं यूथ अगेंस्ट करप्शन एंड जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। देखो, ये डिमांड सभी एस्पिरेंट्स का है। राइट नाउ आप लोग जानते हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स भी जानते हैं जब एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ था, एग्ज़ाम स्क्रैप क्यों हुआ था, एग्ज़ाम में धांधली हुई थी, स्कैमर्स की वजह से हुआ था। बट आप लोगों की जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स थे जिन्होंने हार्डवर्क करके जॉब ली थी, वो लोग तो वहीं के वहीं रह गए। स्कैमर्स नुकसान उन लोगों का हुआ जो हार्डवर्किंग थे, जो स्कैमर्स थे वो आज भी आपके साथ एग्ज़ाम में बैठने वाले थे एंड JKBSE एग्ज़ाम में भी वो बैठ गए। अब बात करेंगे एपटेक कंपनी की। देखो यार, अभी मैं राइट नाउ अगर मैं सोशल मीडिया में देखूँ ना, तो सोशल मीडिया में एक दूसरे को आप टैग करते हो, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हो कि कोई किसी को री एग्ज़ाम गैंग का टाइटल दे रहा है, कोई किसी के मार्क्स शो कर रहा है। देखो यार, सबसे पहली बात, आप लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ एपटेक कंपनी की, देखो ये कहते हैं ना कि जब हमें ऑलरेडी कुछ चीज़ों का पता हो तो हम काफ़ी चीज़ें हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। अगर मैं एपटेक कंपनी की बात करूं तो एपटेक कंपनी का रिसेंट इन्वॉल्वमेंट, अब देखो सबसे पहले तो JKBSE एग्ज़ाम की मैं बात करूं, एपटेक कंपनी पे केस तो पहले ही किया गया था बिफोर द एग्जामिनेशन। 30 नवंबर को ऑर्डर भी रिजर्व कर दिया गया था अवर ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा एंड 8 दिसंबर को आप लोग जानते हो उसका ऑर्डर भी आ चुका था जिसमें स्क्रैप कर दिया गया था। जिस टाइम जिस स्टेज पे भी थी रिक्रूटमेंट उसे लाइक क्वैश करने की बात की थी, हालांकि उसके बाद इंटरिम रिलीफ देके JKSSB द्वारा एग्ज़ाम करवाए गए। आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी यार, आप लोगों का पहले भी ये एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ, साढ़े तीन साल टाइम वेस्ट हो चुका है। नाउ अगेन एपटेक कंपनी पे जो ऑलरेडी केस चल ही रहा है, तो फिर से एग्ज़ाम एपटेक को ही देना, बाद में कुछ कोर्ट का ऑर्डर आया जो, तो क्या ये चीज़ ठीक रहनी थी? स्टूडेंट्स का यही डिमांड था कि एपटेक को रिमूव किया जाए, गवर्नमेंट कोई और अल्टरनेटिव देखे, एडमिनिस्ट्रेशन कोई और अल्टरनेटिव देखे, सो डैट कि पब्लिक रिक्रूटमेंट है, पब्लिक का ट्रस्ट जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि JKSSB द्वारा अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है एंड टेक्निकल इशू का हवाला देके उसे डेफर किया गया। सबसे पहले तो एक चीज़ समझो यार, एक दूसरे को टैग करने से बेटर है कि आप लोग एक साथ यूनाइट होके अगेंस्ट दिस करप्ट सिस्टम, अगेंस्ट दिस सिस्टम लड़ो एंड एपटेक को रिमूव करो। ये आपका प्रियोरिटी होना चाहिए।
देखो अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है, अगर जेई और जेके पीएससी एग्जाम की बात करूँ तो कोर्ट में केस है, वो कुछ दिनों में आपका क्लियर हो ही जाएगा। बाकी अगर मैं एपटेक कंपनी की बात करूँ तो यार आपने अभी रिसेंट लेह के स्कैम्स, लेह लद्दाख में स्कैम हुए, अमृतसर, पानीपत, यूपी, इससे पहले भी आप उसके रिकॉर्ड्स देख लो एपटेक कंपनी के, कितने ज़्यादा टेंटेड हैं, कितने ज़्यादा ड्यूबियस हैं। तो उसके बाद भी ऐसा खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी कि हम लोग स्टूडेंट्स का, मैं देखता हूँ कमेंट कि हम लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। भाई सब लोग यहाँ जितने भी एस्पिरेंट जो भी प्रोटेस्ट करने भी आते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब के लिए ही प्रिपेयर करना है, एंड सब लोग पढ़ ही रहे हैं। ओके, आई एम इंश्योरिंग यू कि मैं भी, आप लोग मेरे चैनल से अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो मैं हर प्रोटेस्ट में बेसिकली टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, ये तो यार सबको जाना चाहिए, इसमें कोई मेरा या आपका जाना नहीं है, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपके साथ चीज़ें गलत हो रही हैं तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। अब एक मतलब स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में मैं देखता हूँ कि यार कुछ टीम है, ये कुछ लोग हैं जो गिने चुने हैं, बार बार आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। यार एक चीज़ सोचो कि अगर प्रेशराइज बिना मतलब कि, इज़ इट पॉसिबल टू प्रेशराइज गवर्नमेंट? हाउ इट इज़ पॉसिबल यार? मतलब आप लोग, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कमेंट सेक्शन जब देखता हूँ स्टूडेंट्स के, सीरियसली काफ़ी हंसी भी आती है। अगर कोई फैक्ट्स नहीं होंगे तो क्या गवर्नमेंट मांगेगी? अगर वही चीज़ अगर आप कहते हो, अगर आप कहते हो कि ये लोगों की स्ट्रेंथ बहुत है, तो इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सारे के सारे चले जाएंगे प्रोटेस्ट करने, बोलेंगे कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब दो, स्ट्रेंथ लेके जाएंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो आप देख लो, क्या गवर्नमेंट सबको जॉब दे देगी? कभी नहीं देगी। गवर्नमेंट फैक्ट्स पे ही बात करेगी, अगर कुछ जेन्युइन रीजंस होंगे तभी उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। इससे पहले भी जब स्कैम हुआ था जेके बी एस आई एंड एफ डब्ल्यू ए, तब भी कुछ फैक्ट्स थे, तभी उसे स्क्रैप किया गया था। एंड नाउ अगर अभी भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, ये चीज़ आप लोग समझो यार। एंड सब लोग एक ही प्रायोरिटी है कि सब लोग अगर जो पढ़ रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, जॉब सीकर लोग हैं, जेन्युइन कंपनी एग्ज़ाम करवाएगी। तो अगर आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर लास्ट टाइम आपके दो एग्ज़ाम स्क्रैप हुए, वेयर आर द स्कैमर्स? मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि स्कैमर्स को डीबार नहीं किया गया, इस बारी भी उन्होंने अपना सेटलमेंट ज़रूर करवाना, उन्होंने श्योर किया होगा। तो ये चीज़ ज़रूर समझो। एंड एपटेक के बारे में तो उसकी हिस्ट्री, कलरफुल रिकॉर्ड्स, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, वो आप देख ही रहे हो सोशल मीडिया में। तो उसके बाद भी जानबूझ के ये चीज़ें करवाना एंड सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलाना कि यरी ये एग्ज़ाम गैंग है। अभी आपका तो भाई फाइनेंस अकाउंटेंट का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, आप किसी को कैसे कह सकते हो कि ये री एग्ज़ाम गैंग है? जेके बी एस आई एंड जेई का तो ऑलरेडी कोर्ट में मसला चल ही रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझो। बाकी यार आप लोग खुद पढ़े लिखे लोग हो, ये सब चीज़ें ना हो। एंड ये चार जो बेसिकली जो कोर डिमांड्स हैं वो मैंने आपको बता दी, बाकी आप अपनी राय रख सकते हो। एंड टाइम वेस्ट स्टूडेंट्स का ही होने वाला है। कोर्ट में मसले चल ही रहे हैं, सब चीज़ें चल ही रही हैं, बट फिलहाल तो आप लोगों को ये यूनाइट हो गए, एक ही डिमांड रखनी चाहिए कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट एंड फेयर ट्रैक रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। बाकी अब सोशल मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ ये कुछ चला के, सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, वेस्टेज आप लोगों का ही होगा एंड स्टूडेंट्स आप लोगों को ही परेशानी होगी। बाकी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें एंड इसे शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर।